गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडेज आवर टॉपिक इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ आवर डायरेक्टली अटैच टू द नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम इज आवर अटैच विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच ट्रांसफर आवर मैसेज टू द ब्रेन। अब हमारे पास क्या है, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल, आप ये देखिए, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग हैं, तो हमारे अंदर कितने सारे फंक्शन हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अब ये देखिए, जितने भी इंडिविजुअल या प्लांट या एनिमल जितने भी कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, उनके बॉडी के अंदर सेल्स भी बढ़ते रहेंगे, ऑर्गन भी बढ़ते रहेंगे, और वो एक दूसरे से सेपरेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग है। Then it is become to necessary to have to which the different part of the organism can function as single unit। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है, इतने सारे सिस्टम होते हुए क्या ये एक सिंगल यूनिट के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा, येस, दिस इज़ पॉसिबल ओनली डिफरेंट पार्ट का कोऑर्डिनेट। अगर ये तब हो सकता है जब सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के साथ क्या करें, कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमारी कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ब्लड क्या करता है, सारी की सारी बॉडी तक न्यूट्रन लेकर जाता है, फिर क्या करता है, जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ पर जाती है, लंग्स के पास जाती है, वहाँ से वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। उस तरीके से जब हमारा ब्लड हमें क्या करना होता है, हमें इसके अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट करने होते हैं, तो उसके अंदर हमारा कौन हेल्प करता है, हमारी किडनी हेल्प करती है। अब हमारे पास क्या है, हम एक सिंगल एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाते हैं और उसको क्या करते हैं, हम अपनी आईज से, लेग्स और वर्टिब्रल कॉलम से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि जब हम झुके तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी भी क्या हुई, बैंड हुई, लेग बैंड हुई, हैंड बैंड हुए, और आईज से हमने उसको देखा। आईज ने क्या किया, फोकस किया, हैंड ने पिक किया, लेग बैंड हुई, लेकिन जो डज द बैंड बोन, और जो बैक बोन ने भी क्या किया, यही किया, बैंड हुई। ये जितने भी एक्शन है सारों के सारे ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। इस यही हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।